सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हैं वुल्फ राइडर व्लॉग्स और मैं हूं आपका भाई वुल्फ राइडर। तो स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज का वीडियो होने वाला है गाइज अपनी NS125 के फाइनेंस के बारे में, कितना प्राइस अपनी NS का हमें पड़ा है और अगर आप लोग इसे फाइनेंस करवाना चाहते हो, EMI पर इसे लेना चाहते हो तो कितनी EMI आपको देनी पड़ेगी पर मंथ और कितनी जो आपको इसकी डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी, सब कुछ के बारे में गाइस आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत अच्छा और बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है भाई लोग तुम लोगों के लिए, तो वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करना और बढ़ते हैं अपनी NS की तरफ और बताते हैं तुम्हें फुल डिटेल रिव्यू। लेट्स गो गाइस। तो गाइस ये रहा अपना वुल्फ, तो हमारी अपनी NS125 एक बार लुक चेक कर सकते हो कैसी लग रही है। तो भाई आज फुल डिटेल के बारे में बात करते हैं। तो तुम्हारे भाई को मैंने तो फिलहाल ये ऑन रोड ही लिया भाई, ऑन कैश ही अपनी बाइक परचेज़ की है। तो मुझे ये पड़ गई है 1,25,000 की हिमाचल में ये 1,25,000 की पड़ रही है। तो बात करते हैं भाई लोग, अगर तुम लोग इसे फाइनेंस करवाते हो या तुम लोग इसे EMI पर लेते हो तो तुम्हें इसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी और कितना जो है तुम्हें इसके लिए प्राइस तुम्हें पे करना पड़ेगा। तो फिलहाल गाइज इसके ऑन रोड प्राइस करें तो 1,06,000 की है और अगर एक्स शोरूम इसके प्राइस की बात करें तो तुम्हें ये बाइक पड़ेगी 1,25,000 की अगर तुम ऑन कैश इसे खरीद रहे हो। तो भाई अगर फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस के लिए तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 20,000 पे करना पड़ेगा। 20,000 अगर तुम लोग इस बाइक के लिए पे करोगे तो उसके बाद तुम्हारी जो EMI वगैरह पर मंथ की EMI बनेगी वो बनेगी 4,200 रुपये इसकी जो है पर मंथ की EMI बनेगी और 3 साल का जो है तुम्हारा केस बनेगा फाइनेंस करवाने के बाद। और 3 साल में गाइज पूरी पेमेंट करने के बाद तुम्हें ये बाइक 28,000 रुपये महंगी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से गाइज ये बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी डील नहीं है, 28,000 काफ़ी ज़्यादा कीमत है। उतने अगर तुम ज़्यादा पैसे डालकर NS160 भी खरीद सकते हो। तो फिलहाल अगर इसके और बात करें तो मेरे हिसाब से गाइज तुम्हें ये ऑन कैश ही खरीदनी चाहिए, पर अगर तुम्हारे पास इतना बजट नहीं है भाई लोग, अगर तुम इसे EMI पर ख़रीदना चाहते हो तो भाई तुम्हें सिर्फ 20,000 पे करने पड़ेंगे और 4,200 तुम्हारी जो है पर मंथ की EMI चलेगी, वो भी 3 साल के लिए। तो इस बात का गाइस ध्यान रखना। बात करें डॉक्यूमेंटेशन की, तुम्हें फाइनेंस करवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशंस की ज़रूरत होगी। तो भाई फिलहाल तुम्हें चाहिए पहले तो एक तुम्हारा आधार कार्ड, पैन कार्ड और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, और उसके बाद तुम्हें चाहिए होगा एक तुम्हारा परमानेंट एड्रेस जो भी होगा, क्योंकि शोरूम वाले ये भी वेरीफाई करते हैं कि तुम यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंसी है तुम्हारी या नहीं है। तो यही तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे गाइस, और इन्हें डॉक्यूमेंट्स ले जाने के बाद तुम सिर्फ 20,000 पे जो है अपनी बाइक शोरूम से ले कर आ सकते हो। तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है भाई, तुम देख सकते हो मेरा काम था तुम्हें इन्फॉर्मेशन देना। तो यही थी आज की इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो भाई लोग तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और अपना वुल्फ कैसा लग रहा है एक बार कमेंट में ज़रूर बता देना।